वेलकम फोक्स, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सॉफ्टवेयर क्रैकिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरह हम किसी भी सॉफ्टवेयर को जिसमें हमें सीरियल की डालनी होती है उसको हम क्रैक कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रैक करने के लिए हमें दो सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है वो है, एक तो हमें चाहिए होता है विन 32 डिसेंबलर। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको डिकोड करने के लिए, और ह्यू, हैकर्स व्यू जिसको हम बोलते हैं, ये यूज़ होता है एडिट करने के लिए असेंबली लेवल लैंग्वेज की कोडिंग को। और थर्डली जो हमें रिक्वायरमेंट है वो है सॉफ्टवेयर की जिसे हमें क्रैक करना है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें सीरियल की रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर रखा हुआ है Zera 3D। अगर मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, इंस्टॉल फेल टू कॉपी, यस आई एक्सेप्ट इंस्टॉल, ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन कर दी है, और अपने एक बार इसको स्टार्ट प्रोग्राम पे जाके भी देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया है। ऑलराइट, अगर मेरे को यही सॉफ्टवेयर कंप्लीटली चाहिए, फुल वर्जन चाहिए इसका, तो मेरे को इसको करना पड़ेगा परचेज, एंड परचेज करने के लिए हमें डालना पड़ेगा यहाँ पे कोई सीरियल या इसका कोई भी एक कोड। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोड जो हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी हैक कर सकते हैं या क्रैक कर सकते हैं कि जो इसका ओरिजिनल कोड है अगर हम वो डालें तो ये नहीं चले, और इसके अलावा हम कुछ भी डालें तो ये सॉफ्टवेयर फुल वर्जन हो जाए। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है विन 32 डिसेंबलर को हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने डिसेंबलर ओपन कर लिया है। अब इसमें हम फाइल अपलोड कर देते हैं Zera 3D की, सी प्रोग्राम फाइल्स Zera, और यहाँ पे इसकी हम exe फाइल अपलोड करते हैं Zera 3D ओपन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइल डिसेंबल होना चालू हो गई है। मेन मोटो हमारा डिसेंबलर को यूज़ करने का ये होता है कि जैसे ही हम Zera 3D सॉफ्टवेयर को ओपन करके उसमें गलत की डालते हैं, एक और बार मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसमें जैसे परचेज पे जाके अगर मैं इसमें लॉक कोड डालता हूँ कोई, होता क्या है यहाँ पे हम जब अनलॉक कोड डालते हैं और अनलॉक सॉफ्टवेयर प्रेस करते हैं तो एक कोड मैच होता है इसमें जो प्री डिफाइंड कोड होता है। अगर ये दोनों कोड सेम होते हैं तब जाके आपका सॉफ्टवेयर अनलॉक होता है, एल्स ये एरर मैसेज शो करता है। तो हम करेंगे क्या, हम डिसेंबलर का यूज़ करके सर्च करते हैं कि ये एरर मैसेज कहाँ आ रहा है, और जहाँ पे ये एरर मैसेज आ रहा है उसके जस्ट अबो जो कंडीशनल और अनकंडीशनल एड्रेसेस होते हैं वहाँ पे से ये जंप करता है कि ये एक सॉफ्टवेयर वैलिड है, ये सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड हो चुका है या नहीं। तो लेट्स चेक, एक और बार चेक करते हैं इसका एरर मैसेज। जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं रॉन्ग कोड, तो आप जैसे ही देख सकते हैं स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है यू एंटर्ड एन इनवैलिड अनलॉक कोड, द प्रोग्राम हैज़ नॉट बीन अनलॉक। इस एरर मैसेज को आप अलग से ओपन करके रखें बिकॉज हमें इसी मैसेज को सर्च करना होगा हमारे डिसेंबलर में। डिसेंबलर में अलग अलग मोड्स होते हैं, लाइक यहाँ पे मैं देख सकता हूँ हेक्सा डेटा, एग्जीक्यूट टेक्स्ट। तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो है सर्च करना इस एरर मैसेज को। मैं सर्च करता हूँ, ध्यान रखिएगा जो आप टेक्स्ट डालें बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं। अगर कैपिटल लेटर है तो कैपिटल, अगर स्मॉल है तो स्मॉल। कोड जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये टेक्स्ट एरर मैसेज का यहाँ पे कॉपी करके कर दिया है, और इसको अब हम सर्च करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिल गया है इसका ये टेक्स्ट, और अपने जस्ट इसके ऊपर आते हैं तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे रेफर्ड बाय अनकंडीशनल और कंडीशनल जंप एट एड्रेस। इसमें होता क्या है कि अगर सपोज यहाँ एरर मैसेज आ रहा है दैट मीन्स एग्जीक्यूशन इसका हो रहा है इन एड्रेसेस है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एड्रेसेस हैं। जो हमारा की काम कर रहा है वो इन 9 एड्रेसेस पे जाके काम कर रहा है। सपोज हम कोई भी की डालते हैं, वो यहाँ पे जाके चेक करता है कि कंडीशन कौन सी है। ठीक है, थोड़ा इस ट्यूटोरियल को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है अगर आपको असेंबली लैंग्वेज की बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो, बट उसके लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है। मैं आपको एक स्लाइड दिखा देता हूँ जिसके अंदर, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फंडामेंटल फंक्शंस इन असेंबली लैंग्वेजेस आर। सपोज अगर कहीं पे कोड यूज हो रहा है 75, दैट मींस इट इज जंप इफ नॉट इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो जंप करना है, अगर 74 है तो जंप इफ इक्वल, और अगर 77 है तो जंप इफ अबो। इट इज जंप इफ अबो एंड 86 है तो जंप इफ नॉट अबो। इसको ज़्यादा आप बेटर अंडरस्टैंड करेंगे जब हम इस पे इस सॉफ्टवेयर को हम एडिट करेंगे व्यू में। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कि हमने सर्च कर लिया। अब हमारा जो यहाँ पे आके आपका ये काम होता है कि आप इन एड्रेसेस को नोट कर लें। मैं एक बार एड्रेसेस नोट कर लेता हूँ इसमें, 0040C3A9, 0040C3GD, 0040C3D9, 0040C3F5, 0040C411, 0040C42D, 0040C449, 0040C465, 0040C4DC। ये 9 एड्रेसेस अपने ने नोट डाउन कर लिए हैं, इनका यूज़ करेंगे हम व्यू। तो अब आप देख सकते हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ मैसेज को और हम स्टार्ट करते हैं व्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यू को फायर कर दिया है। अब हम चलते हैं सी ड्राइव में, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में, प्रोग्राम फाइल्स में हम जाते हैं Xera3D पर, Xera3D.exe। अब जैसे कि देख सकते हैं आप इसमें कुछ भी अनरीडेबल फॉर्मेट में है, सो अगर आप नीचे देखें यहाँ पे हेल्प अनरैप थ्री मोड गो टू सर्च टेबल फाइल्स को, सबसे पहले हम जाते हैं मोड पे। इसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा F4, नाउ गो टू डिकोड, डिकोड मोड। जैसे कि आप देख सकते हैं हम डिकोड मोड में आ गए हैं। यहाँ पे आप जाके चेंजेस भी कर सकते हैं। अब हम सर्च करते हैं, सबसे पहले गो टू F5 दबा के, और अब हम सर्च करते हैं जो एड्रेसेस हमने नोट डाउन किए थे उन पे क्या एंट्री हो रखी है या कौन सी कंडीशंस लग रहे हैं। तो याद रखिएगा इसमें डॉट लगाना बहुत ज़रूरी है, डॉट 0040C3A9। कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं एक बार, C3A9 एंटर। जैसे कि अब आप देख सकते हैं इस एड्रेस पे, इस एड्रेस पे एंट्री है OF85 E6 01 00 00। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये हर एक
दो डिजिट एक बाइट होती है और ये कंप्लीट है 6 बाइट्स का। और यहाँ पे जो 85 है ये क्या कर रहा है देखिए, 85 स्टैंड फॉर जंप इफ नॉट इक्वल। ये क्या करेगा, जैसे ही हम इसमें कुछ डालते हैं और इसमें कोई चीज़ उस की से मैच नहीं करता है तो ये जंप करता है, तो हमें इसको चेंज करना है। 85 को हम करेंगे 84 में। सिमिलरली और एड्रेस पे भी हम चेंज करेंगे। ऑलराइट, अब देखिएगा मैं कैसे चेंजेस करता हूँ इसमें। एक बार मिनिमाइज कर लेते हैं। ऑलराइट, हम यहाँ पे आ गए। अब इसको एडिट करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा F3। डिसेंबर को क्लोज में किया था जिसकी वजह से वो एरर आ रहा था रिपोर्ट और रीड है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप यू पे काम करें तो विन 32 डिसेंबर को क्लोज कर दें, वरना ये कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। राइट, अब आप देख सकते हैं कर्सर ब्रिंग कर रहा है, ये तो 0F हो गया फर्स्ट बाइट, 85 हो गया सेकेंड बाइट, तो हमें 85 को चेंज करना है किसमें, 84 में। तो मैं यहाँ पे जाके 4 और इसको सेव करने के लिए आप देख सकते हैं 9 पे लिखा है अपडेट, तो आपने प्रेस करते हैं F9। ऑलराइट, अब हम चलते हैं सेकंड एड्रेस पे, दैट इज 0040C3BD, C3BD 00C040C3BD। यहाँ पे जाके हम प्रेस करते हैं F3। यहाँ पे 84 को हम कर देते हैं 85। F9 अगेन प्रेस कर देते हैं। नेक्स्ट इज 0040C3D9, C3D9 अगेन यहाँ पे एडिट करने के लिए F3 प्रेस करके 84 को हम किसमें कर देते हैं 85 में, अगेन ये प्रेस F9। नेक्स्ट इज 00C40C3F5, यहाँ पे भी हम 84 को 85 कर देते हैं, अगेन भी प्रेस F9। नेक्स्ट वन इज C4 11, अगेन यहाँ पे 84 को हम 85 कर देते हैं, एंड भी अगेन अपडेट इज 5। नेक्स्ट इज 42D, एंड अगेन यहाँ पे 84 को हम 85 कर देते हैं, एंड ये अपडेट था 5। नेक्स्ट इज 449, C449 यहाँ पे आ गए हम, अगेन इसको एडिट करके 84 को हम 85 कर देते हैं, एंड ये अपडेट इज 5। नेक्स्ट इज 465, अगेन हम एडिट करके इसको 84 को 85 कर देते हैं, एंड ये अपडेट द फाइल बाय F9। लास्ट वन इज C4DC, C4DC अगेन हम यहाँ पे
let's close this as well. राइट, जैसे कि आपने देखा मैंने ज़ेरा 3D इंस्टॉल करके इसमें चेंजेस कर दिए हैं. लेट्स सी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्रैक हुआ है कि नहीं. तो इसको करने के लिए अगेन ज़ेरा स्टार्ट परचेज. जैसे कि आप कर सकते हो, यू आर हैविंग 15 डेज इन मॉर्निंग डेमोंस्ट्रेशन, परचेज अनलॉक एंड फाइंड अनलॉक कोड प्रेस. आप देखिए अनलॉक प्रेस द परचेज ऑनलाइन button below to start the web based purchase and unlock it. You will be asked for your credit. If you have already purchased this software, press unlock code and you have completed the purchase sequence, you will be given unlock code. Please copy this code from the page. Suppose I have a number 789000009, my phone number. Let's see here unlock the cycle. And you can see that we have unlocked the software. ध्यान रखिएगा जब भी आप इसमें यूज़ करें, मैंने किया नहीं बट आपको करना चाहिए. बेसिकली जब भी आप इंस्टॉलेशन करें, जो इसका exe फाइल थी जिसको हमने अपलोड किया था सी टाइप से, आप उसको एक बार कॉपी ज़रूर कर लें. थैंक यू फॉर दिस ट्यूटोरियल. आई विल बी राइट बैक अगेन विद अ बेटर वन. थैंक यू.